एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज। सो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ RRBPO का मॉक नंबर 2, ठीक है, उसका स्कोर एंड IDBI असिस्टेंट मैनेजर का भी जो लाइव टेस्ट था हमारा बायजस पे, वो ही मैंने अटेम्प्ट किया था, तो उसका भी स्कोर मैं शेयर करूँगी। आप में से होप सो काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट भी किया होगा, बिकॉज वो लाइव आई थिंक परसों था, तो अभी तो नहीं है, ओवर हो चुका है, ठीक है। एंड कुछ लोग मेरे SSO के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं बता देती हूँ, ठीक है, मेरा नहीं हुआ है। एंड आप में से जिन लोगों का भी हुआ, तो उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अच्छे से मीन्स की अपने प्रिपरेशन कीजिए, और क्या बोलूँ, आप मीन्स की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा सा और बूस्ट देने की ज़रूरत है, बिकॉज अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 23 या 24 को आपका एग्ज़ाम है मेंस का, ठीक है। तो मेरा तो इंग्लिश में लैग कर गया, अदरवाइज़ हो जाता मेरा भी, ठीक है। मैंने अटैम्प्ट जो किए थे 76 थे मेरे अटैम्प्ट, और इंग्लिश में जो मेरे अटैम्प्ट थे 25 थे, तो उसमें जो मेरे स्कोर रहे हैं 18.75 करके। और रीजनिंग सेक्शन मैंने 30 अटैम्प्ट किया था, जिसमें से एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, तो उसमें भी 28.75 है। और कौन सेक्शन मैंने किए थे 21, तो उसमें 21 एक्यूरेट है वो, तो ओवरऑल जो स्कोर बना है वो 68.75 ऐसे करके रहा है, ठीक है। एंड जो कट ऑफ गई है जनरल एंड EWS की, वो 72 point something, ठीक है, तो ऐसा रहा है। तो आप में से जिन लोगों का मतलब हुआ हो क्वालिफाई, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड बात करते हैं स्कोर की, तो ये है हमारा RRBPO मॉक नंबर 2, ये टेस्ट बुक का है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास टेस्ट बुक का पास नहीं है, तो अभी फ्लैश सेल चल रही है टेस्ट बुक पे, तो आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें आपको ईयरली पास 499 का है, वो आपको 375 में मिल रहा है, मींस मतलब 25% का डिस्काउंट, ठीक है। अगर आप कोड यूज़ करते हो VS10, तो आपको 124 का ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी, अगर आप लेना चाहें तो वहाँ से लिंक से आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉक नंबर 2 है हमारा, इसमें मैंने अटेम्प्ट किए थे 66 क्वेश्चन, और मेरे मार्क्स जो रहे हैं 58.5। थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसमें अच्छी नहीं रही है मेरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो गया है। अटेम्प्ट तो ठीक थे, बट जैसे रीजनिंग सेक्शन में मैंने 40 किए थे, बट इसमें जो रॉन्ग हुए हैं बहुत ज़्यादा, 36.25 स्कोर रहा है। एंड कौन सेक्शन मैंने 26 किए थे, उसमें भी 22.25 रहा है, तो एक्यूरेसी बहुत ख़राब हो गई है, बट स्टिल परसेंटाइल इज सेटिस्फैक्ट्री, जो कि 93 point something है, ठीक है। तो ये है हमारा RRBPO मॉक नंबर 2, ठीक है। एंड दूसरा है ये हमारा IDBI असिस्टेंट मैनेजर का, ठीक है। ये लाइव टेस्ट था हमारा, ठीक है, जिसमें मैंने अटेम्प्ट किए थे 131 क्वेश्चंस, और जो मेरा स्कोर रहा है 98.50, और कट ऑफ थी 68 point something, ठीक है। तो इसमें भी परसेंटाइल 93 के आसपास है। सेक्शनल देख लेते हैं, तो रीजनिंग सेक्शन में 39.50 मार्क्स हैं, मतलब 5, ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं। इंग्लिश सेक्शन में 23.25, और इसमें 11 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, जो कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ही रॉन्ग हो गए हैं। कौन सेक्शन में 14 अटैम्प्ट किए थे मैंने, इसमें 1 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, 13.75। मैंने इस सेक्शन को सिर्फ 11 मिनट दिए थे, 11:41 समथिंग, तो उस वजह से उस हिसाब से उसको और भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया मैंने, ठीक है। बाकी सेक्शन को इसमें 29 मिनट दिए थे, सबसे ज़्यादा टाइम आई थिंक 1 घंटे इसमें लग गया रीजनिंग सेक्शन में, क्योंकि उसमें कौन भी होता है DINL, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम चला गया यहाँ पे। एंड सबसे लास्ट जो आता है हमारा, ये जनरल इकोनॉमी वाला सेक्शन, GA सेक्शन हमारा, तो उसमें 22 मार्क्स रहे हैं, जिसमें मैंने अटेम्प्ट किए थे 37, ठीक है, उसमें से 12 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, तो इसको भी ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने, क्योंकि 16 मिनट दिए हैं एंड स्टिल काफ़ी सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए। हालांकि 60 क्वेश्चंस रहते हैं, तो थोड़ा जैसे कि आपका बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको थोड़ा रीड करने की ज़रूरत होती है, बट स्टिल इतना टाइम नहीं देना चाहिए था। तो जैसे कि इसमें ज़्यादा टाइम चला गया रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है, अदरवाइज क्वांट में और अटैम्प्ट हो जाते, ठीक है, 10 मिनट में जितना जल्दी हो पाया तो किया है मैंने। एंड आप लोगों से जिन लोगों ने इस लाइव टेस्ट को अटैम्प्ट किया, तो अपने भी आप लोग स्कोर शेयर कीजिएगा। हालांकि मैंने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दी थी कि कोई लाइव टेस्ट चल रहा है, बट स्टिल होता है ना कि आप लोगों को भी पता रहती है अब तो काफ़ी चीज़ें, तो अगर आपने अटैम्प्ट किया तो अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोनों के, ठीक है, RRBPO वाले एंड इसका भी। एंड जिन लोगों का SSO का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, तो आप लोग भी बताइएगा किन लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।